आवासहीन महिला दुलारी एक साल पहले पति का देहांत हो जाने के बाद लावारिस की तरह दर दर की ठोकरें खा रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट शासन से सहायता राशि प्रदान किए जाने को लेकर कई बार कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी गुहार भी लगा चुकी है। जिस तरह से देश में आवासहीन व बेघर लोगों के लिए शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, वहीं भिलाई कोसा नाला की रहने वाली दुलारी कुट्टी के पति का देहांत हो जाने के बाद अब लावारिस की तरह अपना जीवन यापन करने व प्रधानमंत्री आवास मिल जाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँची दुलारी कुट्टी ने अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़ी और शासन के उच्च पदों में बैठे लोगों की कारस्तानी को बयां किया। साल से भरकत में भाई मोर आदमी मरे तब चुबल पैसा नहीं मिले तब पेंशन नहीं देवते बेटे सर में सो तो पुलिस वाले पंचम काज रहे थे बोल घर द्वार नहीं देते। मैं चाहता हूँ घर मिले तो मुल कहीं दे दो पैसा मैं इतनी छोटे मोटे ले लूँ बोलते तो करो बड़ी होते बोला भी 30,000 भर में कहाँ से दो मांगने खाने वाले आए मैं मंदिर मंदिर में मांगा तभी बोल कर खाए भर पैसा नहीं है मैं दूसरे से ले लेके घूमा तो पागल जैसे हो गए मैं बोलते अभी पैसा भर बोलते मोर आ गए अलाउट हो गए घर दमदा रोड में तो उतना दूर में नहीं जा चाहता तो। अब मैं डान आस पास में ले लूँ भेलई नगर डान झोपड़ी ओपड़ी दो तीन बार गए बोलते पैसा भर में तो मिली नहीं तो नहीं मिले बोलते दूसरे के नाम में डाल दूँ बोलते मैं इतना पैसे कहाँ से लाऊं भाई मैं ओगरो बार दो बार होकर जावत कुछ नहीं सुनवाई करते हाँ हाँ बोलते दूठो नोटिस अब यो भेजे रिसे दे तो भेजे सब कागज वाल मोहन कुट्टी रही से मोर दुलारी दुलारी कुट्टी रही से एक साल सावन में खत्म हो जाए भाई बरसात में कोई नहीं मोर कोई साथ नहीं देते मैं खुद अकेला लड़ा था पंथम में लड़ाई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवासहीन व बेघर लोगों को कम लागत में सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अब देखना होगा कि प्रदेश के मुखिया इन जैसों के लिए भी कोई योजना बनाकर इन दर दर भटकने वालों के सिर पर कोई आसरा देते हैं या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।